हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सृजन राणा, आप देख रहे हैं रियल लाइफ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सावन का महीना है। सावन का महीना बड़ा ही पवित्र माना जाता है। सावन के महीने में की गई कलश यात्रा बहुत ही शुभ मानी जाती है। दोस्तों, अगर किसी भी सुहागन औरत को हरी चूड़ियाँ गिफ्ट में दें या उसे पहनाएं, वो भी बहुत ही शुभ मानी जाती है। दोस्तों, सावन का महीना है। सावन का महीना बड़ा ही पवित्र माना जाता है। सावन के महीने में भोलेनाथ के भक्त बड़ी ही धूमधाम से भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं और भगवान भोलेनाथ को खुश करना चाहते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं हम सावन के महीने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, मेरा नाम सृजन राणा, आप देख रहे हैं रियल लाइफ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बताते हैं कि आपको सावन के महीने में किन किन 7 बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, सात्विक भोजन। हमें मांस मछली का परहेज करना चाहिए। साथ में लहसुन प्याज का भी परहेज करना चाहिए। दोस्तों, लहसुन प्याज एक तांत्रिक भोजन में आता है। नंबर 2, बैंगन। दोस्तों, हरी सब्जियां सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं, लेकिन बैंगन की सब्जी को अशुद्ध माना जाता है। इसीलिए बैंगन की सब्जी का प्रयोग सावन मास में नहीं करना चाहिए। बैंगन की सब्जी का इस्तेमाल द्वादशी और चतुर्दशी में भी नहीं किया जाता है। नंबर 3, दूध का उपयोग। दोस्तों, सावन मास में दूध का उपयोग शिवलिंग के अभिषेक के लिए किया जाता है। इसीलिए दूध का उपयोग सावन मास में नहीं करना चाहिए। जैसे भाद्र मास में दही का उपयोग नहीं किया जाता है, उसी प्रकार सावन मास में दूध का उपयोग नहीं किया जाता है। नंबर 4, अपमानित करना। दोस्तों, सावन मास में किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए और ना ही किसी के प्रति। अपने लिए ख़ास तौर पर गुरुजन, जीवन साथी, माता पिता, भाई बहन, इनके लिए तो बुरे विचार अपने मन में कभी लाना ही नहीं चाहिए। नंबर 5, बैल। दोस्तों, अगर आपके द्वार पर कोई गाय या बैल आ जाए तो उनको मार कर नहीं भगाना चाहिए। जैसा कि आप जानते होंगे, बैल को भगवान भोलेनाथ की सवारी माना जाता है। अगर आपने बैल को मार कर भगाया तो सोच लीजिए, भगवान भोलेनाथ के तांडव से आपको कोई नहीं बचा सकता। नंबर 6, तेल लगाना। दोस्तों, सावन मास में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए तथा भोजन के लिए शुद्ध पात्र का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, शरीर में तेल लगाना भगवान भोलेनाथ को क्रोधित करने के बराबर होता है। नंबर 7, शराब का सेवन। दोस्तों, सावन के महीने में शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ में बुरे कार्यों को नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई भी बुरा कार्य की लत डालते हो तो भगवान भोलेनाथ आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। अगर आपने इन 7 बातों का ध्यान रख लिया तो भगवान भोलेनाथ खुश होकर कुछ ना कुछ आपको फल जरूर ही प्रदान करेंगे। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। दोस्तों, हर हर महादेव।